हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है उसकी जो प्रिपरेशन है हम अपने यूट्यूब चैनल पे करा रहे हैं। और उसमें जो सब्जेक्ट हम ले रहे हैं आपका, वो है आपका हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, या फिर आप कह सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। लास्ट टॉपिक में हमने जो आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में डिस्कस किया था, और आज के इस टॉपिक में जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में। ठीक है, तो आज की इस क्लास में जो हम बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे मैकेनिकल से डिप्लोमा या फिर ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा बीटेक पास आउट हैं, तो जिन बच्चों ने डिप्लोमा या फिर आपका बीटेक की हुई है मैकेनिकल से ऑटोमोबाइल से, ऑल इंडिया लेवल पे जो हम असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की जो है प्रिपरेशन अपने यूट्यूब चैनल पे हम करा रहे हैं, तो जिन बच्चों ने ऑल इंडिया लेवल पे जो है MPSCCA, TNPSCCA, APPSC, OPSC, GPSC और आपका TSPSC, JKSSB, HSSC और आपका HPSSC, KPSC, केरला PSC या अदर स्टेट से जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आपका बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। तो सबसे पहले डेफिनेशन को हम कर लेते हैं कि बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज एक्चुअली में होती क्या है। जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है, ए मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ ए फ्लूड एट ए पॉइंट इन ए पाइप इज नोन एज बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो कि किसी भी पॉइंट पर, पाइप के किसी भी पॉइंट पर फ्लूड के प्रेशर को मेजर करने का काम करता है, उसे हम बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज कहते हैं। तो ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ ए फ्लूड एट ए पॉइंट इन ए पाइप इज नोन एज बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। तो ये दिस इज ए प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, इसको हमेशा आप याद रखें। चलिए थोड़ा वर्किंग को समझ लेते हैं कि जो आपका बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है वो किस तरह से वर्क करता है। इसका एक्चुअल में यहाँ पर एक इनलेट ओपनिंग होती है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर इनलेट ओपनिंग है जिसमें कि आपका जो है फ्लूड इसमें एंटर करेगा। और यहाँ पर आप इलिप्टिकल एक आपको होलो ट्यूब दिखाई दे रही होगी, बॉर्डन ट्यूब जिसे हम कहते हैं। ये आपका बहुत ही थिन, इसकी थिकनेस जो है बहुत थिन होती है, और इसका जो मटेरियल होता है ब्रॉन्ज या फिर निकल की वो बनी होती है। और ये ऊपर इसके ऊपर एक ग्लास रहता है, साथ इसका डायल इंडिकेटर रहता है सबसे ऊपर, जिसपे कि आपको ग्रेजुएटेड स्केल पॉइंटेड होता है जिसपे आप रीडिंग को मेजर करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब फ्लूड, जैसे सपोज कोई पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है और आपने किसी पॉइंट पर जो है लिक्विड के प्रेशर, उसके पाइप के प्रेशर को चेक करना है कि पाइप में जो आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर कितना, तो आप किसी भी एक पॉइंट पर जो है वहां पर एज ए इनलेट पे जो है इसका जो ये जो आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है इसको आप कनेक्ट कर दोगे पाइप के साथ में। और जैसी लिक्विड का जो फ्लो हो रहा है वो जब इसमें एंटर करेगा तो हाई प्रेशर के साथ, हाई स्पीड के साथ जो है वो आपका इस इलिप्टिकल ट्यूब में जो है एंटर करेगा, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिकल जो इलिप्टिकल ट्यूब है ये आपका जो बॉर्डन ट्यूब जो है ये बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। तो ये आपका एक वाई सेक्टर है, और वाई सेक्टर जो है अगर मैं बात करूँ वाई सेक्टर की, तो वाई सेक्टर पर जो है आपका यहाँ पर टीथ कटे हुए हैं, और वो टीथ जो आपका मैश है पिनियन के टीथ के साथ। ठीक है, ये पिनियन के टीथ मैश है, और आपका उसके साथ आपका जो जो शाफ्ट है उस पर आपका जो पॉइंटर अटैच है। तो जैसे ही सेक्टर जो है ये आपका यू ट्यूब का जो जो इलिप्टिकल ट्यूब है उसका पार्ट है, तो जैसे ही ट्यूब बाहर की तरफ मूव करेगी तो सेक्टर जो है आपका डाउनवर्ड मूव करेगा। जैसे सेक्टर आपका डाउनवर्ड मूव करेगा तो आपका जो पिनियन है वो जो आपका रोटेट करेगा, जिसके कारण जो आपका जो पॉइंटर है वो जो आपका मूव करेगा आपका ग्रेजुएट स्केल के ऊपर। तो इस तरीके से जो आपका जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है वो आपका काम करता है। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जैसे आपका जो पाइप के हम जिस भी पाइप से अटैच करेंगे जिसका भी हमें जो लिक्विड जो फ्लो हो रहा है उसके प्रेशर को मेजर करना है, तो आपका जब वो फ्लूड एंटर करेगा इनलेट से और आपका बॉर्डन ट्यूब के अंदर जाएगा उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो उस केस में जो है जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो बाहर की तरफ मूव करेगी, जैसे ही बाहर की तरफ मूव करेगी तो वाई सेक्टर जो आपका डाउनवर्ड मूव करेगा, और वाई सेक्टर के जो टीथ हैं वो पिनियन के टीथ के साथ मैश हैं, तो जैसे ही वाई सेक्टर डाउनवर्ड मूव करेगा तो पिनियन आपका जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा, जिससे आपका पॉइंटर जो है ग्रेजुएट स्केल के ऊपर आपको रीडिंग को शो करेगा। तो इस तरीके से जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो आपका वर्क करता है। ओके,
चलिए कुछ इम्पोर्टेंट जो बात है वो हम बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में अच्छे से जो है समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्किंग के बारे में बताया, जो आपका बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है ये आपका यूजेन बॉर्डन ने जो है इन्वेंटेड किया था 1849 में जो आपका यूजेन बॉर्डन के द्वारा जो है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज को जो है इन्वेंट किया गया था। और जो आपका बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है ये आपका हाई प्रेशर को भी मेजर कर सकता है और आपका लो प्रेशर को भी ये मेजर कर सकता है। और जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है उसको हम जो है इलास्टिक टाइप प्रेशर इंट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज को जो दूसरा जो जिस नाम से जाना जाता है वो है आपका इलास्टिक टाइप प्रेशर ट्रांसड्यूसर। ओके, और जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर के भी जो बॉर्डन ट्यूब है उसकी जो थिकनेस होती है बहुत हल्की होती है, जो 0.01 से लेकर के आपका 0.05 mm तक की जो उसकी जो होलो ट्यूब है बॉर्डन ट्यूब उसकी जो है वॉल की थिकनेस रहती है। फॉर लो प्रेशर मेजरमेंट, अगर हमें लो प्रेशर मेजरमेंट करना है तो उस केस में जो है हमारा जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज हम यूज़ करेंगे, हम वाला बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज यूज़ करेंगे जिसमें आपका जो बॉर्डन ट्यूब है वो आपका ब्रॉन्ज की लगी होगी। तो जो ब्रॉन्ज वाली मेटल की जो आपका बॉर्डन ट्यूब वाला जो आपका प्रेशर गेज होगा वो लो प्रेशर को मेजर करेगा, और हाई प्रेशर को मेजर करने वाला जो आपका बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है उसमें जो आपका बॉर्डन ट्यूब जो है वो आपका निकल स्टील की बनी होगी। इसके अलावा जो दूसरे मटेरियल्स का भी यूज़ किया जाता है बॉर्डन ट्यूब में, आपका जैसे फॉस्फोरस हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन ब्रॉन्ज हो गया, बेरिलियम कॉपर हो गया, आयकॉन हो गया, और अदर आपका जैसे कार्बन क्रोमियम निकल और आपके एमओ एलॉय, तो ये जो एलॉय वगैरह इनकी भी जो है आपका जो है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो है बनाई जाती है। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखें कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में जो है इनमें से पॉइंट्स बन सकते हैं, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बहुत मोटे मोटे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिए, ये आपको अच्छे से जो है याद रखने हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के जो है हम बात कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिया है वो आपके सामने है स्क्रीन पे। ए मैकेनिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ ए फ्लूड एट ए पॉइंट इन ए पाइप इज नोन एज, तो वो मैकेनिकल डिवाइस जो कि प्रेशर फ्लूड के प्रेशर को किसी भी पॉइंट पाइप के किसी पॉइंट पर मेजर करने का काम करते हैं उस डिवाइस को हम क्या करते हैं, पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो आएगा आपका बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, तो राइट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, इनमें से कौन सा जो है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का जो है पार्ट है, पॉइंटर, पिनियन ये भी है, ग्रेजुएटेड स्केल भी है, तो ऑल ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज आर यूज टू मेजर, जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है वो मतलब हाई प्रेशर को मेजर करता है, लो प्रेशर को मेजर करता है, या फिर हाई और लो दोनों को मेजर करता है, या इनमें से किसी को भी मेजर नहीं करता है। तो जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है वो आपका हाई प्रेशर को भी मेजर करता है, लो प्रेशर को भी मेजर करता है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में जो है दिया है कि द बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज आर आल्सो नोन एज, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, इलास्टिक टाइप प्रेशर ट्रांसड्यूसर। तो जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है उसको इलास्टिक टाइप प्रेशर ट्रांसड्यूसर के नाम से भी जाना जाता है, इसका राइट आंसर है वो आपका इसमें डी रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जो है पूछा गया है, फॉर लो प्रेशर मेजरमेंट द बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज ट्यूब जनरली मेड ऑफ, तो लो प्रेशर को मेजर करने के लिए जो बॉर्डन ट्यूब जो है वो किस मटेरियल की बनी होती है, कॉपर की, ब्रॉन्ज की, आपका लेड की, ब्रास की। तो लो प्रेशर को मेजर करने के लिए जो बॉर्डन ट्यूब है वो आपका ब्रॉन्ज की बनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी आएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है इसने, फॉर हाई प्रेशर मेजरमेंट द बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज आर जनरली मेड ऑफ, हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए जो बॉर्डन ट्यूब जो है वो किस मटेरियल की बनी होती है, स्टील की, निकल की, कास्ट आयरन की, या इसमें से किसी की भी नहीं। तो जो हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए बॉर्डन ट्यूब का जो मटेरियल होता है वो होता है आपका निकल स्टील, तो राइट आंसर इसका जो है वो आपका बी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज ट्यूब जनरली मेड ऑफ,
तो जो आपका जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जनरली किसकी बनी होती है, निकल स्टील की, ब्रॉन्ज की, बेरिलियम कॉपर की, ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से हम किसी की भी जो है एज पर रिक्वायरमेंट एज पर नीड जो है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज हम बना सकते हैं। तो ये सभी जो है मटेरियल यूज़ किए जाते हैं बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के ट्यूब को बनाने के लिए एज पर रिक्वायरमेंट एज पर नीड, की लो प्रेशर को मेजर करना है कि हाई प्रेशर को मेजर करना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, द बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज इन्वेंटेड बाय, जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है वो आपका किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, यूजीन बॉर्डन के द्वारा, विलियम बॉर्डन के द्वारा, स्टीफन बॉर्डन के द्वारा, या फिर इनमें से किसी भी नहीं। जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है इन्वेंटेड की गई थी यूजीन बॉर्डन के द्वारा, ओके। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ए रहेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है द बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज इन्वेंटेड बाय यूजीन बॉर्डन इन, तो जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज इन्वेंटेड की गई थी यूजीन बॉर्डन के द्वारा वो कौन से ईयर में इन्वेंटेड की गई थी, 1945, 1832, 1954, 1849। तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो कि यूजीन जो बॉर्डन के द्वारा जो इन्वेंटेड की गई थी वो 1849 में, राइट आंसर इज डी। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया द बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज ट्यूब वॉल थिकनेस, जो बॉर्डन जो ट्यूब है हमारी इलिप्टिकल जो ट्यूब रहती है उसकी जो वॉल की जो थिकनेस है वो कितनी रहती है, वॉल की थिकनेस कितनी रहती है। जी यहाँ दिया ऑप्शन 0.01 to 0.2 mm, 0.01 to 0.3 mm, 0.01 to 0.05 mm, तो 0.01 to 0.05 mm। तो यहाँ पर आपका जो इसका राइट आंसर है वो आपका डी रहेगा, ये 0.01 और आपका जो यहाँ पर टू नहीं आएगा, यहाँ पर एंड ले लेंगे, तो ये आपका 0.05, तो 0.01 से लेकर के आप की बनती है 0.05 की भी, मैक्सिमम जो है 0.05 तक की रहती है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आएगा इसमें डी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस लेक्चर में हमने जो है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इनको अच्छे से डिस्कस किया और उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। तो आई होप सो ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे पास्कल्स लॉ के बारे में, तो पास्कल्स लॉ जो है क्या है, उसकी एप्लीकेशन, एडवांटेज, डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको जो है नेक्स्ट क्लास में हम पास्कल लॉ को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ना है जो आपको आज पढ़ाया गया है। इसके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात हम बताना चाहेंगे कि अमेज़ॉन पे हमारी कुछ ई बुक्स अवेलेबल हैं जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, तो वो बुक आपके सामने हम रख रहे हैं। जैसे कि आप अगर आप मैकेनिकल से डिप्लोमा बीटेक पास आउट हैं, तो अगर आपको मैकेनिकल कंपनीज के टेक्निकल इंटरव्यू की देखने की मैकेनिकल कंपनीज में किस तरह के टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये बुक अमेज़ॉन से ले सकते हैं। और बॉयलर टेक्नीशियन एचपीसीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बॉयलर टेक्नीशियन की, तो आप एचपीसीएल ये बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। और अगर आप असिस्टेंट क्या नाम है, अगर आप सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए KMC कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ के MCD के लिए, तो आप जो है ये बुक हमारी ले सकते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। इसके साथ साथ जो है आपको असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए जो आपको ये ई बुक मिल जाएगी, जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम से वो आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जो आपको हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन Volume 1, जिसमें कि आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक्स के जो पहला पार्ट है, मशीनरी वाला पार्ट इसमें नहीं है, उससे पहले का जो पार्ट है उसको लेकर के जो है कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है थ्योरी और MCQ क्वेश्चंस के साथ में। तो ये असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका जो इसमें हाइड्रोलिक का जो सब्जेक्ट आता है इसमें उनको MCQ और थ्योरी के टॉपिक मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, तो वो जो है इस बुक को ले सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे भी इन ई बुक्स को ले सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैकेनिकल में कहीं से किसी भी टाइप का कोई भी MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन की ई बुक अवेलेबल है, जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका मशीन डिज़ाइन का भी सब्जेक्ट रहता है, और ये अदर जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी है, तो वो भी इसी बुक को ले सकते हैं, प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आपका जो यहाँ पर आप मशीन डिज़ाइन की जो है वो ई बुक अवेलेबल है, इसको आप ले सकते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर आप DRDO में जो मैकेनिकल में जो आपका डिप्लोमा बीटेक
जो स्टूडेंट्स हैं इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप DRDO की ये किताबें ले सकते हैं, प्रिपरेशन को अच्छी कर सकते हैं अपनी इंटरव्यू को लेकर के। और HPCL का मेंटेनेंस टेक्नीशियन इनकी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको लेकर के ये ई बुक लिखी गई है, तो आप इसी बुक को ले सकते हैं और एमसी क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपको ये टू बुक ई बुक्स और मिल जाएंगे, जो हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, कि अगर आप अभी कॉलेज कैंपस में अगर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप स्टडी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको अपना कैंपस प्लेसमेंट लेना है, तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो ये ई बुक आपको इसमें काफ़ी हेल्प करेगी। तो ये बुक आपको जो इंग्लिश एडिशन में मिल जाएगी और इसका आपको हिंदी एडिशन भी जो है अमेज़ॉन पर मिल जाएगा। तो आप जो है इन ई बुक्स के माध्यम से अपनी गवर्नमेंट जॉब, अपने इंटरव्यू की, अपने कैंपस प्लेसमेंट की, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ओके, इन सभी ई बुक्स के जो लिंक हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मिल जाएंगे। तो अमेज़ॉन के जो लिंक है इस ई बुक्स के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके आप उन ई बुक्स को जो है परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। ई बुक का हेल्प ये है कि आप मोबाइल में उसको सेव कर सकते हैं और कहीं भी आप उन ई बुक्स को पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को जो है बेटर कर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो हमने बॉर्डन टी प्रेशर गेज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस किया। आई होप सो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम पास्कल लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।